ബുദ്ധിമാൻ ഗധ. एक बार गोपू नाम का एक गधा पहाड़ियों में रहता था। एक दोपहर गोपू धूप का आनंद ले रहा था और हरे भरे मैदान की घास खुशी से चबा रहा था। वह स्वादिष्ट घास खाने में इतना मगन था कि उसे अपने आसपास की किसी भी चीज का ध्यान नहीं था। उसके पास की झाड़ियों में कुछ आवाज आई और उसने चबाना बंद कर दिया। उसने खाना बंद किया और अपना सिर घुमाकर पीछे अपने शिकारी को देखा। शिकारी एक भूखा और चालाक भेड़िया था। वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था और उसने अब गोपू को ढूंढ लिया था। गोपू को समझ आया कि उसे जल्दी से कुछ उपाय निकालने की जरूरत है, वरना भेड़िया उसे खा जाएगा। गोपू को एक तरीका सूझा। वो एक पाँव पर लंगड़ाते हुए जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। ओह ओह, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी हरकतों से तंग आकर शिकारी ने उससे पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या है। गोपू लंगड़ा कर कहने लगा, जब मैं झाड़ियों पर चल रहा था तो मेरे पैर में एक नुकीला कांटा चुभ गया और अब मैं बहुत दर्द में हूँ। मैं कांटे तक पहुँच नहीं सकता। क्या आप मेरे लिए ये कांटा निकाल देंगे? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा? शिकारी ने पूछा। मैं आपको ये कांटा निकालने आपके ही फायदे के लिए कह रहा हूँ, गोपू ने कहा। तुम्हारी मदद करने से मुझे क्या लाभ होगा? तुम मेरा अगला भोजन हो। यह कांटा बहुत बड़ा और नुकीला है। जब आप मुझे खाएंगे तो यह आपके गले में फंस जाएगा और आपको बहुत चोट पहुंचाएगा। शिकारी ने एक पल के लिए सोचा और फिर गोपू की मदद करने के लिए तैयार हो गया। गोपू ने शिकारी के लिए अपना पैर उठा लिया और जैसे ही शिकारी उसके पैरों के पास आया, गोपू ने अपनी पूरी ताकत से शिकारी को लात मार दी और तेजी से दूर भाग गया। लात इतनी जोर का था कि शिकारी चकरा गया और कुछ देख या समझ नहीं पाया। वह दिन में तारे देख रहा था और उसका सिर घूम रहा था। दूर जाते हुए गधे ने मन ही मन सोचा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि चालाक भेड़िया मेरी एक लात से हार गया। कितना मूर्ख था वो। लोग मुझे जितना समझते हैं, मैं उससे कहीं ज्यादा होशियार हूँ।